दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन 20 सितंबर 2018 के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU का दक्षिण एशिया क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि कैंसर के निदान हेतु भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रान सुविधा साइक्लोन 30 किस शहर में शुरू की गई है? तो ये कोलकाता में शुरू की गई है, साइक्लोन 30। तीसरा प्रश्न है कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित 130 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन किन स्थानों को जोड़ेगी? तो ये सिलीगुड़ी और पार्वतीपुर को जोड़ेगी। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा द्वारा सुरक्षा मंजूरी देने के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई सहज। पांचवा प्रश्न है कि पठानकोट में स्थित शाहपुर कंदी बांध परियोजना के लिए किन राज्यों के बीच समझौता हुआ है? पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच समझौता हुआ है शाहपुर कंदी बांध परियोजना के लिए। छठा प्रश्न है कि किसे परमाणु ऊर्जा विभाग का नया सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमलेश नीलकंठ को। सातवां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण आकलन के लिए किस राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए भी स्टार रेटिंग प्रणाली लॉन्च की है? उत्तर है ओडिशा ने उद्योगों के लिए भी इंडस्ट्री स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की है। आठवां प्रश्न है कि US इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया है? यस जयशंकर, जो पहले भारत के विदेश सचिव भी रहे। नवा प्रश्न है कि 2022 के एशियाई एवं एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो चीन का हांगजो शहर इनकी मेजबानी करेगा। दसवां और आखिरी प्रश्न है कि देश में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली कार्यक्रम के तहत किस सीमा पर स्मार्ट बाड़ परियोजना शुरू की गई है? तो ये जम्मू में भारत पाक सीमा पे स्मार्ट बाड़ परियोजना शुरू की गई है। दोस्तों ये था आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स श्रृंखला के तहत। आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अन्य वीडियो के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका अनुराग चौधरी।